सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, कृपया कार्यक्रम के प्रारंभ की आज्ञा दें। सबसे पहले तो आगे वाली तो बात ही नहीं हो जाती है आरती जी, मतलब ये सच्चा ये कैसा कार्यक्रम है जिसके लिए आई थिंक सभी हम प्रतीक्षा रखते, और ये बड़ी गौरवान्वित तो करने वाली बात है कि इसमें इस तरह से, और ये जैसा कि आपका इसका नाम ही ऐसा है कि सुनने बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरा तो मैं 3 बार किताब पूरी पढ़ चुका हूँ, फिर भी मन करता है एक बार और। सो प्लीज इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्रारंभ किया जाए। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो सबसे पहले हम जिस मंच पर आज एकत्रित हैं, मैं उसकी थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। आज हम सब टैगोर यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित विश्व रंग महोत्सव 2022 के अंतर्गत विश्व रंग यूएई अध्याय की ओर से इस मंच पर जुड़े हुए हैं। विश्व रंग कार्यक्रम के सभी विश्वव्यापी दर्शकों व श्रोताओं को डॉक्टर आरती लोकेश का प्यार भरा नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि महोदया सुश्री कुसुम दत्ता जी, कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान विकास भार्गव जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज प्रीत जी तथा अन्य सभी विद्वान अतिथिगण का मैं विश्व रंग के यूएई मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बनी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के संस्थापक व कुलपति श्रीमान संतोष चौबे जी हैं, जो स्वयं एक महान साहित्यकार हैं। अतः वे साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में सतत कार्यरत हैं और नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। श्री संतोष चौबे जी के निर्देशन में तथा समकालीन महान लेखक श्री लीलाधर मंडलोई जी के उपनिदेशन में विश्व रंग महोत्सव का आयोजन वर्ष 2019 से किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 2020 में महामारी के वैश्विक संकट के चलते इसका पूरा आयोजन ऑनलाइन किया गया और इसमें भारत के अलावा 15 देशों ने सहभागिता की, जिसमें से यूएई भी एक था। तो यूएई 2020 से विश्व रंग कार्यक्रम में, विश्व रंग महोत्सव में सम्मिलित हुआ। मुझे इसके निर्देशक का कार्यभार 2020 में ही सौंपा गया। 2021 में अन्य देशों की संख्या 15 से बढ़कर 30 हो गई और 2022 में 50 देशों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और भारत में तो महोत्सव चल ही रहा है। विश्व रंग यूएई के निदेशक के रूप में मैं टैगोर यूनिवर्सिटी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहना चाहूंगी कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, जो कि कहावत भी है, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, बिनु जल पात न खिल सके, बिनु जल पात न खिल सके, पादप ही जली जात, नौनिहाल लिखते रहें, नौनिहाल लिखते रहें, कलम गही रहे हाथ, विश्व रंग सूर्य किरण खिले, विश्व रंग सूर्य किरण खिले, चमक बिखेरे पात। तो आज का कार्यक्रम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को समर्पित है और अब अधिक समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम की मन संचालिका श्रीमती करुणा राठौर जी को बुलाना चाहूंगी। करुणा राठौर जी की हाल ही में पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो बहुत चर्चा इसके ऊपर चल रही है, बहुत चर्चित पुस्तक है और इसी पुस्तक के लिए उन्हें हरियाणा गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है। स्वागत है करुणा जी, आइए और मंच संभालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी। एक तो सबसे पहले मुझे आपने इतना बढ़िया ये मौका दिया, बच्चों की किताब है तो इससे बढ़िया मौका कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारा भविष्य है और ये जो बीज है ये फूट रहा है, ये बहुत ही प्यारा फूट रहा है और बहुत ही बढ़िया इसके फल निकलेंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और आपसे जुड़ के तो कोई संभावना रह ही नहीं जाती है कि कुछ चीजें जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी छात्र अक्षज पाई और छात्र श्री गौरी पाई को कि वो आए और श्री गणेश करें। श्री गौरी कक्षा 2 की छात्रा हैं जो कि 7 साल की हैं और अक्षज कक्षा 6 के छात्र हैं जो 11 वर्ष के हैं। आइए। एकदन्दं विनायकं
नहरं भज गजाननम एकदन्तं विनायकम् विघ्नहरं भज गजाननम् एकदन्तं उमासुदं विघ्नहरं भज गजाननम् एकदन्तं उमासुदं विघ्नहरं भज गजाननम् मूषिकवाहन गजाननम् मोदगहस्ता गजाननम् मूषिकवाहन गजाननम् मोदगहस्ता गजाननम् एकदन्तं विनायकम् विघ्नहरं भज गजाननम् एकदन्तं विनायकम् विघ्नहरं भज गजाननम् चामरकर्ण गजाननम् विलम्बितसूत्र गजाननम् चामरकर्ण गजाननम् विलम्बितसूत्र गजाननम् वामनरूप गजाननम् महेश्वरपुत्र गजाननम् वामनरूप गजाननम् महेश्वरपुत्र गजाननम् विघ्न विनायक गजाननम् पाद नमस्ते गजाननम् विघ्न विनायक गजाननम् पाद नमस्ते गजाननम् एकदन्तं विनायकम् विघ्नहरं भज गजाननम् एकदन्तं उमासुदं विघ्नहरं भज गजाननम् मूषिकवाहन गजाननम् मोदगहस्ता गजाननम् एकदन्तं विनायकम् विघ्नहरं भज गजाननम् एकदन्तं विनायकम् विघ्नहरं भज गजाननम्। बहुत बहुत खूबसूरत, और इसका पूरा पूरा श्रेय मैं इनकी संगीत की अध्यापिका श्रीमती अंजना रॉय जी को देना चाहूंगी, जिनके छत्र छाया में इन्होंने इतना प्यारा गणपति वंदना करना सीखा है। वास्तव में अब हम चलते हैं उस विषय की ओर जिसके लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। होनहार बीरवन हिंदी भाषा पर केंद्रित पुस्तक है। यह पूरी तरह से UAE की पुस्तक है और विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस पुस्तक में 50 कविताएं हैं, जिसमें 45 कविताएं UAE में पढ़ने वाले बच्चों की हैं और 5 कविताएं बड़ों की हैं। पुस्तक में विश्व के नामी साहित्य प्रेमियों के संदेश हैं, जो कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें और ललचाते हैं और लालायित करते हैं। नोशन कैसे छपी हुई इस पुस्तक में कुल 142 पृष्ठ हैं। पुस्तक का आकार 8x5 इंच का है और यह ब्लैक एंड व्हाइट और कलर प्रिंट दोनों में उपलब्ध है। इसके संपादक डॉक्टर आरती लोकेश जी हैं, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अब मैं हमारी जो मुख्य अतिथि है कुसुम मैम, उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो आए। पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी, कुछ मेरा अपना, कुछ जैसा कि दुनिया में दिखता है वैसा, कि वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में जिसमें बच्चों की प्रतिभा का व्याख्यान गुणगान है, जब उन्हीं बच्चों को आप जैसी सुलझी हुई और अनुभवी मानवता की प्रतिमूर्ति का आशीष मिलेगा, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। श्रीमती कुसुम दत्ता जी, जिनका नाम कला, समाज सेवा और प्रेम का समानार्थी है, बेहतरीन पेंटर हैं, भावों की गहराई को समझने वाली पाठक, और सबसे बड़ी बात उनका शख्सियत बहुत नेक इंसान। यह हमारा ही नहीं बच्चों का सौभाग्य है कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आप आज हैं हमारे साथ शामिल। आपकी कर्मठता और लगन हमें भी सदैव गतिमान रहने को प्रेरित करती है। बहुत बहुत स्वागत है कुसुम मैम आपका। आइए। होनहार बिरवान के, आप सबने बोला है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, इस सब के लिए, इस सब के बीच में
आने के लिए, मुझे इन बच्चों को प्यार से सुनने के लिए जो आपने मुझे मंत्रित किया है, मैं धन्य हुई। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे हूँ आप सबको सुनने के लिए, और भी बहुत सारी बातों का ज्ञान निचोड़ जैसे ना प्राप्त होता है मुझे भी। हमेशा बहुत प्रसन्नता होती है इस मंच पे आके। थैंक यू आरती, कोई शब्द नहीं है जिनका मैं आपको धन्यवाद कर सकूं, बहुत अच्छा लगता है आपका आरती। किस किस चीज का कहा जाए, जो आपने ये प्रयास किया है इन सब बच्चों के दिलों में जो हिंदी के प्रेम का अंकुर बोया है, हम लोग सब जानते हैं कभी ना कभी ये वृक्ष के रूप में निकलेगा। एक बात और कहना चाहूंगी, हो सकता है सब 100 में से 100 के 100 आपको वो आगे बढ़ के ना लिखें या हिंदी से हट जाएं या दूसरी जगह में चले जाएं, लेकिन 50 से 70% तक इतने प्रशंसक जरूर उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जो आपने अंकुर बोया है उसको वापस, वो कहते ना कलोचे मारेगा कि अरे अब तो कुछ लिख लूं, अब कोई 2 लाइनें ही लिख लूं, चाहे गद्य है या पद्य है, उन दोनों में से किसी भी चीज पे लिखने के लिए अगर किसी तरह से इन बच्चों से कांटेक्ट रह सकता है, कभी हमको पता लगे, आपको बड़े होके पता लगे ये लोग कुछ ना कुछ जरूर चिकने पाती बनेंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। इसके लिए हाँ, इस प्रयास जो आप लोगों ने किया है ये खाली आपका या एक दिन का काम नहीं होता, आपके साथ बहुत टीम है, उन सबका धन्यवाद, उन सबको बधाई और उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना सुंदर काम हाथ में लेने के लिए। और क्या होता है ना, एक विचार आता है, विचार को हम फिर कार्यान्वित करते हैं, कार्यान्वित करके फिर हमारे सामने ये रिजल्ट आता है, और उसका इतना सुंदर रिजल्ट हाथ में आ जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 3 cheers रियली, बहुत बहुत बढ़िया ये। उसके साथ साथ हम ग्राउंड में उतरते हैं, थोड़ा सा हिंदी के बारे में बोलती हूँ। हम यहाँ पे दुबई में हैं, यूएई में हैं, हिंदी भाषा हमारी आम भाषा है यहाँ पे, ऐसा लगता है भारत का ही अगला अंक है, वहां पर अंग है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, मेरे ख्याल यहाँ क्या भारत में भी ऐसा हो गया है कि जब तक तो बच्चे हमारे साथ हैं छोटे हिंदी बोल रहे हैं, जैसे ही बाहर जाके स्कूल में जाना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, वो अंग्रेजियत पे आ जाते हैं, इंग्लिश नहीं अंग्रेजियत पे आ जाते हैं, पूरे ही चेंज हो जाते हैं। और तो और हम बड़े भी उनके साथ बात करते करते पता नहीं चलता कब हम उनसे इंग्लिश में बात करने लगते हैं, इंग्लिश में वार्तालाप करने लगते हैं। ओह इट्स नॉट लाइक दिस, ये नहीं, क्यों नहीं हम कहते। आपको एक मजाक की बात बताती हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन 4 हैं प्रभु की दया से, उन सारों को ये पता है नानी दादी को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वो अदरवाइज मानते नहीं है कि कैसे, मेरे को नहीं आती बच्चे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बात करनी पड़ेगी। वो मेरा बड़ा ग्रैंडसन अब 17 साल का हो गया है, वो तो कहता है सो यू वर चीटिंग अस ऑल द टाइम, मैं कह नहीं चीटिंग, वो मुझे अभी समझ नहीं आई तेरी ये इंग्लिश भी क्या कह रहे हो। तो कई बार हमको बहुत सारी ड्रामे करने पड़ते हैं कि इनको हमने हिंदी का, मतलब ये नहीं कि हिंदी भाषा का इनको ज्ञान है, हिंदी से जुड़े रहने का जो मैं सोचती हूँ ये भी मतलब है कि हम अपनी कला, हम अपनी संस्कृति, नॉट संस्कृत, संस्कृति से जुड़े रहते हैं। हमारे कल्चर क्या है, हमारे तीज त्योहार क्या है, हमारी विधियां क्या है करने की, अगर हिंदी में इनका इंटरेस्ट नहीं होगा, योग नहीं होगा, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो वो सब चीजें हम ये सोचते हैं कि अगली जनरेशन में नहीं चल सकती। हम क्या उनको खोना चाहते हैं अपनी संस्कृति को? नहीं। हम अपनी भाषा को खोना चाहते हैं? नहीं। तो वो अगर हम चाहते हैं हमारी संस्कृति चलती रहे, तो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से हमने हिंदी को इनके दिलों में जीवित रखना है। आरती की तरह बाकी सबको भी इस तरह से मिलके काम करना है कि इनके दिलों में ये हिंदी का एक बीज अंकुरित रहे और ये इस चीज को चलते रहे, करते रहे, उसमें इनका योग बना रहे, इनका शौक बना रहे, इनका, कई बार हिंदी के शब्दों का हमको भी थोड़ पड़ जाती है, थोड़े लगते हैं, इनका मनोयोग बना रहे कि हमने हिंदी जरूर पढ़नी है। हम अपने घरों में कुछ माएं भी यहाँ बैठी हैं, हमें सुन रही हैं, टीनेजर बच्चों से लेके हमें अपने घरों में जो भी हमारे रिचुअल हैं, जो भी हमारे तरीके हैं, संस्कृति है, आजकल तीज त्योहार आ रहे हैं, थोड़े थोड़े
इनको लीडर बना के आगे करके आज की आरती का आप लीड करोगे। तो इस तरह से हम उनको उनका इंटरेस्ट बनाए रखें और ताकि वो ये सब करते रहें, ऐसे मैं सोचती हूँ। बाकी प्रिय, हमारी प्रिय आरती, आरती के बारे में क्या कहा जाए, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है आप तो आरती, सच्ची। आपका जितना जितना थोड़ा थोड़ा मैं आपको जान पाई हूँ उतना ही आप अचंभित कर देती हैं, रोज ने अचंभा दे देती हैं मुझे। गागर, आप सब लोग जानते हैं इनको, गागर में सागर जैसी बात को ये सही उतरती हैं। इनकी बोली प्यारी सी सूरत पे मचा ना बहुत गुणी है, छिपी हुई है। तीन उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संकलन, इनकी सब पुस्तकें समाज को, हमारे काव्य को और गद्य और दोनों में इन्होंने इतना धनवान बना दिया है इस चीज से, बस हमें हमारे को किताबें लेने की जरूरत है और उनको पढ़ने और गढ़ने की जरूरत है। हाँ, शिक्षिका होने का भी ये पूरा उपयोग कर रही हैं। ये शिक्षिका, बहुत सारी शिक्षिका, हिंदी शिक्षिकाएं हम शुरू से ही जानते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इन्होंने बहुत सुंदर रूप से उसका उपयोग किया है, बच्चों से ये कविताएं लिखवा के। और ये जैसा मैंने पहले कहा है, ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये बाल सुलभ खेल नहीं है, ये बहुत सारा इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे कोशिशें, बहुत सारा धन, तन मन धन, जैसा कि नितिन जी भी कहते रहते हैं भाई, ये सब कामों के लिए हमें तन मन धन सब तीनों चीजें चाहिए, तो वो सब इन सब चीजों के लिए लगता है। हाँ जी, जो बाल सुलभ अनुभूति का संचार ये बच्चों के दिल में हो गया है, साहित्य समाज दोनों का ये कहीं ना कहीं भला कर जाएंगे। साहित्य और समाज, संस्कृति के साथ साथ ये भी हमारा जरूरी है। हिंदी की उन्नति, लोकप्रियता, कुछ तो बड़ी है, कुछ तो आजकल मुझे लगता है जैसे या तो ऐसा है कि मैं बहुत जुड़ गई हूँ या कैसे कि लगता है थोड़ा हिंदी में चेंज आ रहा है माता पिताओं में, हमारी जनरेशन से लेके जो हमारे बच्चे हैं वो जनरेशन में। अगर हम बच्चों को इनकरेज करेंगे, उत्साहित करते रहेंगे, लिखो कुछ भी लिख दो तो वो जरूर लिखेंगे। जैसे एक बात यही कह दो अपने बच्चों को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कि भाई एक एक चिट्ठी लिखो हमको हिंदी में, दिवाली पे कुछ लिखो हिंदी में, कुछ भी चीज कर सकते हैं हम, और इन सब से ये गाड़ी चलती रहनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी, इतनी आपने किस तरह से सोच के सिलेक्शन किया इनका, कविताओं का, बच्चों की कविताओं का, आरती का तो जो लिखा हुआ लेख है, हर चीज एक एक शब्द पढ़ने लायक है, वो सबको पढ़ना, आपने सबने किताब पढ़ी भी है, पर आरती का भी जो लिखा हुआ है बहुत बहुत अच्छा लगा है। एक दो लाइनें इनकी मैं पढ़ देती हूँ। जल गया हूँ, घट गया हूँ, इसका ना कदापि दुख मुझे, जल गया हूँ, घट गया हूँ, इसका ना कदापि दुख मुझे, पिघल गल रोशनी देना, पिघल गल रोशनी देना, इस कर्म में अतुलित सुख मुझे। दीपक बेचारा जलता रहता है पर सबको रोशनी तो दे जाता है। सो वही काम साहित्य, समाज और कला के लिए जो कर रहे हैं लेखक, कलाकार, ये सब उनका वही सुख है, वही उनको अंदर से आत्मिक प्रसन्नता है कि हमने कुछ ना कुछ अपने समाज और सबके लिए कर दिया है। इसके साथ साथ अगर मैं पास टाइम में आती तो मैं एक कविता और करना चाहूंगी, ख्याति चौधरी ने लिखा है थोड़ा सा, बाकी तो सभी कविताएं एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन मैं एक ये वाली कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी, बड़ा सुंदर से लिखा है उसने। कबीर के दोहे हो या बिरबल की कहानियां, जो सुना है हमें दादी नानियां, काल्पनिक दुनिया तो सबने बनाई है, आजकल के स्टार वार्स और ये सब तो सब बना रहे हैं, सब बन रहे हैं, लेकिन बस कुछ गिने चुनों ने हमें राह दिखाई है। कौन सी कहानियां हम बच्चों को सुनाएं, कौन सी दोहे हम सुनाएं जिनसे इनको थोड़ी सी काल्पनिक नहीं बल्कि कोई राह दिखाएं, कोई गाइडेंस मिले, कोई इंस्पिरेशन मिले। फिर आगे बहुत सारी लंबी कविता है, बाद में शुरू करती हूँ। शुरू किया विजय संदेश और आई प्रतिभा और देश, रेणुका को प्रकाशित कर,
कुछ लोग याद करेंगे कि किसकी बात मैं कर रही हूँ। रेणुका को याद प्रकाशित कर हिंदी का किया गौरव गान, परशुराम की प्रतीक्षा क्रुद्ध जनमानस को भाती है। परशुराम की प्रतीक्षा प्रतिज्ञा क्रुद्ध जनमानस को भाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धार्मिक रूप से भी हमें दिनकर ने एकजुट किया। समझ गए किसका बोल रही हूँ पोएम जी, ये दिनकर के बारे में। धार्मिक रूप से भी हमें दिनकर ने एकजुट किया, कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी ने माँ भारत को नया रूप दिया। सब ने रश्मि रथी पढ़ी होगी और आजकल तो दो तीन जने बहुत अच्छी गा भी रहे हैं, जरूर सुनी होगी आप लोगों ने। माँ भारत को नया रूप दिया, कर्ण उर्वशी कुरुक्षेत्र के नायकों को जीवंत किया। संस्कृत के चार अध्याय से भारत पुनः जी पड़ा जिया। उदासीनता जीवन में भरकर अंत हुई जीवन यात्रा बेगूसराय के प्रांगण में। दिनकर के रहने तक, दिनकर यानी सूर्य के रहने तक दिनकर रहेंगे जनमन के मन में। कितनी सुंदर लिखी है नन्ही सी हमारी ख्याति चौधरी ने। यहाँ पर है ख्याति, अच्छा लग रहा होगा जानकर कि मुझे ये बहुत ज्यादा भाई है ख्याति। बहुत ही अच्छे विचार और बड़े अच्छे शब्दों में आपने इसको डाला है। बाकी सबकी भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, एक जस कौर की भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मेरा नहीं ख्याल इतना समय मिलेगा मुझे। लेकिन आपको इस सारे प्रोग्राम के लिए आरती आपकी पूरी टीम को, क्या कहूँ टैगोर संस्थान को, जिन्होंने ये चीज शुरू की कि बच्चों को एनकरेज किया जाए। बच्चे जब लिखेंगे तो जैसे मैंने कहा कुछ ना कुछ भाव तो बड़े होने तक रहेंगे ही, कि प्राउड बोलेंगे मैंने लिखी थी, मैं अभी भी लिख सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ में बात जोड़ना चाहूंगी, कल मैं एक लेबर कैंप में गई थी, बहुत सालों बाद, ऐसे ही दो दिन पहले प्लान बनाया तो उनको कहा कि अब सब फोनों पे बात कर लेते हैं, माँ बाप पत्नी बहन भाई दोस्तों से सबसे। उनको कहा कि एक एक लेटर लिखो जिसको भी लिखना है। पता नहीं मेरे दिमाग में वहां जब मैं पहुंची तो वो लिखना शुरू कर रहे थे। मैंने कहा उनको, अच्छा ये बताओ हिंदी में कौन कौन लिख सकता है, तो जो इंडियन थे उनमें से काफी हाथ ऊपर आ गए जो हमारे नॉर्थ साइड के थे। उनको जो लिख सकते हैं वो हिंदी में लिखो, मैं पढ़ूंगी नहीं पर मुझे दिखाना जरूर कि हिंदी में लिखे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों से भी हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका विश्व रंगमंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खुद अपने आप को धन्य मान रही हूँ यहाँ पर आके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम मैम, आपका आना हमेशा ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आपके अनुभव और आपने जितनी जिंदगी जो सीखा है वो सब आपके शब्दों में एक एक दिखाई देते हैं। हमारे बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको सुन पाए, और ख्याति स्पेशली जिसकी कविता आपने पढ़ी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर आरती रूपेश जी को। आपके बारे में काफी कुछ कुसुम जी ने पहले ही बता दिया और हम सब भी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। यूएई में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी साहित्य में एक विख्यात नाम है। आप 3 दशक से शिक्षण कार्य करते हुए यूएई विद्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। आपकी अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, यात्रा संस्मरण, शोध ग्रंथ और कथेतर शामिल हैं। हाल ही में आपके साहित्य सर्वेक्षण जिसका संपादन डॉक्टर उर्मिला चौधरी एवं डॉक्टर पूनम अहलावत ने मिलकर किया है, प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर उर्मिला चौधरी आज हमारे सबके साथ इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं। आप विभिन्न पुस्तक और पत्रिकाओं में संपादक एवं उप संपादक भी हैं। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान को विभिन्न सम्मानों और अवार्ड देकर नवाजा गया है, और रोज हम देखते हैं रोज एक नया अवार्ड एक सम्मान लेकर के आ जाती है। हमारे फूल कम पड़ रहे हैं, इनके सम्मान बढ़ते जा रहा है, मैं चाहती हूँ ऐसे ही बढ़ते चले जाए। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी, आइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा इतना सुंदर परिचय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम दीदी, आपने इतनी आत्मीयता से
इतनी प्रशंसा की कि अब मेरा और उत्साह बढ़ गया है आगे काम करने के लिए। और आपके कहे हुए तो दो शब्द भी इंसान को पूरे साल भर के लिए उत्साहित कर सकते हैं, और आपने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए कही हैं, तो मैं बिल्कुल खुशी से, मेरी खुशी का पारावार नहीं है, बिल्कुल गदगद हूँ। तो यहाँ पर मैं अब संपादकीय कर्म के बारे में बताना चाहूंगी जो इस पुस्तक से संबंधित मेरा रहा। तो पुस्तक यह दीदी ने भी दिखाई है और आपको भी दिख रही होगी। तो उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। कायदा तो कहता है बात शुरू करनी चाहिए पुस्तक की परिकल्पना से, परंतु मैं इतनी उत्साहित हूँ कि मैं पहले बताना चाहूंगी कि इस पुस्तक से की यात्रा, इस पुस्तक के छपने के बाद मेरे साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई। तो इसका सबसे पहले तो इसका विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन हो चुका है, आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। तो इसका विमोचन हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जो है डॉक्टर मनोज प्रीत जी ने, उन्होंने किया था प्रीत साहित्य सदन के मंच पर। और उस विमोचन में श्रीमती रमा शर्मा जी ने इस पुस्तक पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा शोध पत्र प्रस्तुत किया था। और इस पुस्तक की रचनाओं को उन्होंने क्या शीर्षक दिया था आप देखिए, फूल से बच्चों की कविताएं। उन्होंने इस शीर्षक से अपना शोध पत्र जो है पढ़ा था, और ये कहकर उन्होंने इस पुस्तक की शोभा बढ़ाई थी। और स्नेहमयी रमा जी ने उस समय कहा था कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह नौनिहाल पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला है, जिसे पढ़कर मैं तो निहाल हो गई हूँ। इतना सुंदर शब्दों का प्रयोग, ये फूल से बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं कि क्या ही बात है। काव्य संग्रह पढ़ते समय मैंने महसूस किया कि हमसे अच्छा तो ये बच्चे हैं, क्या खूब लिखते हैं। तो ऐसे विचार, ऐसा प्रोत्साहन श्रीमती रमा जी से हमें मिला, उनका आशीर्वाद नहीं तो और क्या है। रमा जी आपने बहुत प्रोत्साहन दिया बच्चों को, और आपका स्नेह भरा हाथ मैं अपने कपोल पर भी महसूस कर रही हूँ। मैं भी आप ही की बच्ची हूँ, ऐसे ही कुसुम दीदी की बच्ची हूँ और मनोज सर की। इसके बाद श्री राजकुमार जैन राजन जी, जो कि बहुत विश्वविख्यात बाल साहित्यकार और बाल साहित्यालोचक भी हैं, यानी बाल साहित्य की आलोचना और समीक्षाएं भी वे करते हैं। तो मेरा प्रयास था कि आज वो इस कार्यक्रम से जुड़ सकें, लेकिन वो बहुत व्यस्त थे तो नहीं जुड़ पाए। उनके द्वारा इस पुस्तक की विस्तृत समीक्षा की गई, और इस समीक्षा को उन्होंने जगह जगह पहुंचाया, अनेक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में वो ये समीक्षा छप चुकी है। पटना से निकलने वाला अखबार दस्तक प्रभात, भोपाल से प्रकाशित समाचार पत्र लोकोत्तर, और इंदौर से निकलने वाला जनमत नजर, ये तो समाचार पत्र हैं। फिर आप पत्रिकाएं सुनिए, साहित्य गुंजन के मई जुलाई के अंक में, फिर पत्रिका है सृजन महोत्सव, उसके भी मई जुलाई के अंक में, और अभी हाल ही में संगिनी के बाल साहित्य विशेषांक में। इन पत्रिकाओं में इस होनहार बिरवान की समीक्षा श्री राजकुमार जैन जी के वजह से उन्होंने प्रकाशित करवाई। फिर राजकुमार जी की समीक्षा और रमा जी का शोध पत्र, ये दोनों ही जो डॉक्टर उर्मिला चौधरी द्वारा संपादित पुस्तक है साहित्य सुरभि, उसका भी हिस्सा बने हैं। तो शायद रमा जी को ये पता नहीं होगा, आज ही उनके सामने ये जो है तथ्य उद्घाटित हो रहा है कि उनका लिखा हुआ शोध पत्र पुस्तक का हिस्सा है, और उस पुस्तक की संपादिका डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी भी हमारे साथ ही हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस पुस्तक को इतना स्नेह मिला है कि आंचल में भर लेने को स्थान नहीं है। इसे प्रकाशित हुए अभी मैंने हिसाब लगाया 10 ही माह हुए होंगे, और तब से अब तक जितने भी वार्तालाप, साक्षात्कार के कार्यक्रमों में या अतिथि के रूप में जहां भी मुझे बुलाया गया, होनहार बिरवान के बारे में सबने प्रश्न पूछे, सबने चर्चा की। इसके निर्माण, इसके संयोजन, संपादन, परिकल्पना, इन सब पर विस्तार से मेरी जो है साक्षात्कारकर्ताओं से चर्चा हुई। इस चर्चा से कितना आत्मिक संतोष मिला है तो शब्दों में कहना मुश्किल है। अब बात करती हूँ इस पुस्तक की नींव की। तो अगर मूल रूप से देखूं तो पुस्तक का प्रकाशन का विचार नहीं था। इसकी नींव ऐसे पड़ी कि जुलाई 2021 में मेरे पास विश्व हिंदी सचिवालय के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर श्रीमान अनूप भार्गव जी का प्रस्ताव आया कि मुझे हिंदी दिवस 2021 के संयोजक के रूप में कार्य करना है, उसकी भूमिका मुझे दी जाती है। मैंने सहर्षी प्रस्ताव स्वीकार किया, और विश्व रंग
2020 के सहयोगी विकास भार्गव जी से सहयोग मांगा और बहुत सी उनके सहयोग से हाँ जी कोई तनवी बेटा आप म्यूट कर लें खुद को। तो उनके सहयोग से हमने बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, अलग अलग आयु वर्ग के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी, विद्यार्थियों की आयु को देखते हुए अलग अलग नियम रखे और इस स्थिति को जो स्थिति उस समय थी उसको देखते हुए हमने ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की और मुख्य नियम यही था कि कविताएं हिंदी विषय पर होनी चाहिए। तो आप ये पुस्तक के अंदर देखेंगे हर कविता के बारे में, हर कविता के अंदर हिंदी पर बात हो रही है। इसके विजेताओं को जो जो इस प्रतियोगिता में विजयी हुए उनको पुस्तक विक्रेता बॉर्डर्स के गिफ्ट हैम्पर भी दिए गए और कुल मिलाकर भारतीय मुद्रा में 25,000 रुपए की कीमत या उससे कुछ अधिक की यह राशि हमें सचिवालय से दी गई थी जो हमने विजेताओं को दी और प्रमाण पत्र सभी को दिए गए। अब इतनी सारी कविताओं के मूल्यांकन के लिए ये मेरा तो काम था नहीं और मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो कि इन बच्चों को नहीं जानते, जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर कविताओं का मूल्यांकन कर सकें। तो एक निर्णायक मंडल का गठन किया गया और यहाँ के यानी यूएई के सुविख्यात ज्ञानी विवेकी विद्वानों को निर्णायक मंडल में शामिल किया गया। तो निर्णायक मंडल में आप नाम सुनेंगे सुश्री कुसुम जी, श्री अरविंद जी, सुश्री मीरा जी, मीरा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आज हमारे साथ उपस्थित यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी, डॉक्टर उर्मिला चौधरी और नेहा शर्मा जी। यह कार्यभार इन 6 लोगों को सौंपा गया। कुसुम जी ने सबसे पहले कविताएं जब पढ़ी तो उन्होंने मुझसे कहा, जैसा कि उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में भी बताया कि वो बिल्कुल गदगद हो गई कविताएं पढ़कर और कितने प्यार से उन्होंने ख्याति चौधरी की कविता पढ़ी, मुझे भी बहुत पसंद है ख्याति की कविता। तो उन्होंने मुझसे कहा, आरती ये इतनी सुंदर कविताएं बच्चों ने लिखी है, उन्हें एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि बच्चे इतना बढ़िया लिख सकते हैं। उन्होंने उनके मुंह से बस निकला जैसे सरस्वती विराज गई उस दिन उनके जिह्वा पर, तो उन्होंने कहा इन्हें तो किताब में छपना चाहिए। और लगभग सभी निर्णायक गण इन कविताओं को देखकर ऐसे ही दंग थे। मैं स्वयं भी अभिभूत थी, मैंने तुरंत पतिदेव से सलाह की और फौरन जो है प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ और पुस्तक निकालने का निर्णय ले लिया गया। सभी बालकों की कविताएं तो मेरे पास थी ही और उसका मूल्यांकन भी होके आ चुका था, तो हमने अच्छी कविताएं छांटी। फिर उन जिन बच्चों की कविताएं इस पुस्तक में शामिल की गई उनसे उनके आर्टिस्टिक चित्र मंगवाए गए। मैंने उनसे कहा कि आप अपना साधारण सा चित्र नहीं, कुछ अपनी हॉबी को दर्शाते हुए आप अपना चित्र भेजिए। फिर निर्णायकों को फिर से काम सौंपा गया कि अब आप पुस्तक की भूमिका लिखिए, प्रस्तावना लिखिए, आमुख लिखिए, और सबने सहर्ष ही बिल्कुल भेजे कम से कम समय में, हफ्ते में 10 दिन में जितने समय में कार्य किया जा सकता था उतने में उन्होंने करके ये मुझे भेजे। और सभी निर्णायक गणों से उनकी भी हिंदी विषयक कविताएं ली और सारे सारे मटेरियल को एक कलश में भर दिया जिसका नाम होनहार बिरवान रखा। और फिर इस पुस्तक को रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों अवतारों में इसे छपवाया गया। तो इसके अंदर जो कविताएं हैं उनका रस तो आपको पुस्तक पढ़कर उसको हाथ में लेकर ही आएगा। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि इस पुस्तक का जो आवरण है वो भी कहीं से नेट पर से या कहीं से नहीं लिया गया, ये एक आर्टिस्ट से बनवाया गया है और उन आर्टिस्ट का नाम है जयशंकर, जयशंकर TS। और जैसे कि कुसुम दीदी ने कहा कि मैं अपने शिक्षक होने का पूरा फायदा उठाती हूँ, तो जो अंजना रॉय है वो भी शिक्षिका हैं और इसी नाते वो और मैं जुड़े हुए हैं साथ में। और जो इसका मुख पृष्ठ जिन्होंने डिजाइन किया है बकायदा जयशंकर जी, वो भी मेरे मतलब वो भी शिक्षक हैं, वो आर्ट के शिक्षक हैं और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं शारजा के जाने माने। तो उन्होंने इसका चित्र बनाया और इसके साथ ही इसके ऊपर आप इसके कवर पर 3 तितलियां देख रहे होंगे, तो वो तितलियां भी कुछ कहती हैं। एक तितली तो जो है विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस उसके झंडे की तितली है, एक भारत के झंडे की तितली है और एक यूएई के झंडे की तितली है। तो ये एक ऐसी पुस्तक है जो 3 देशों को और 3 उद्देश्यों को एक साथ ले आती है। अब इसके अंदर जो कविताएं हैं उसकी मैं बात करूं तो इन बच्चों ने
भर भर कर हिंदी के प्रति अपने प्रेम विश्वास, हिंदी की विशेषताओं, हिंदी से आशाओं और आकांक्षाओं को उंडेल दिया है। जैसे मैंने कहा ना, ये एक कलश बन गया है, तो वो कलश में ये सारी चीजें इन बच्चों ने भरी है। आप खुद ही देखिए, 10 साल की जरुल गाडेकर कहती है कि जब तक गगन में चांद सूरज की लगी ये बिंदी रहे, तब तक वतन की भाषा अमर ये हिंदी रहे। देखिए, और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं कि जरुल गाडेकर ने जिस आयु वर्ग में जो है प्रतिभाग किया था, वो नन्हे बच्चों के लिए था, और उसमें किसी अन्य रचनाकार की कविता का उन्हें पाठ करना था, परंतु जरुल ने कहा कि मुझसे स्वयं कविता लिखने की अनुमति मांगी, कि वो खुद कविता लिखने चाहती हैं। और मैं सोच में पड़ गई कि अरे वाह, ऐसे भी बच्चे होते हैं, 10 साल की बच्ची और वो लिखना चाहती है खुद से कविता। और उनकी कविता देखिए, 12 साल की अलीविया हमारे साथ यहाँ मंच पर भी है, देखिए कितना सुंदर लिखती है कि पत्थर को फूल बनाए और दुश्मन को दोस्त बनाए, पत्थर को फूल बनाए और दुश्मन को दोस्त बनाए, ऐसी है भाषा मेरी। कितना प्यारा एक विचार है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। 12 ही साल की तनरीत कौर, अब ये बच्चे शायद 13 साल के, एक एक साल इनकी उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन मैं इनकी वो आयु बता रही हूँ जिसमें इन्होंने इस कविता की रचना करी। तो 12 साल की तनरीत कौर कैसे हमें व्याकरण सिखाती है, देखो, हिंदी सीखो तुमसे है मेरी विनती, फिर करेंगे 1 2 3 से गिनती, स्कूल ना आए हो गया 1 साल, चलो बताओ है ये कौन सा काल। इतने सुंदर तरीके से व्याकरण, इनकी तो अध्यापिका जो इन्हें पढ़ाती होंगी वो इन पर निहाल रहती होंगी। और 13 ही साल की उम्र में सिद्रा रगीब, सिद्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है मंच पर, सिद्रा क्या लिखती है, जब जब निकले मुंह से यह मेरे, जब जब निकले मुंह से यह मेरे, लगे जैसे स्वर माधुर्य यह बिखेरे। इतना सुंदर एहसास कि बस मैं तो देखती रह गई। इस सिद्रा की भी हिंदी अध्यापिका धन्य है और इनके माता पिता, और 13 साल की ही सुमैया सिराज हिंदी को अपनी माँ मानती हैं। क्या कहती हैं कि लोरी से लेकर कहानी सब में हिंदी है, सिर्फ एक भाषा नहीं, मेरा एक हिस्सा है, मेरी माँ जैसी है। और 13 ही साल की वयस में सईदा कादरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हिंदी की विशेषता का क्या बखान करती है कि प्रकृति की सभी चीज संपूर्ण अपने में, प्रकृति की सभी चीज संपूर्ण अपने में, जैसी है मेरी हिंदी भाषा भी, जो बोलते वही लिखते और मन के भाव सभी उभरते। तो देखिए कितना सुंदर विचार है, कितनी अच्छी विशेषता उन्होंने बताई है। और मुझे ये कहने में, इस बात को मानने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कि मैं 30 साल से शिक्षण क्षेत्र में हूं, मगर ऐसा लेखन मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था। तो क्या मुझे इस चीज से मुझे क्या सीखने को मिला कि अगर हम अवसर दें अपने बच्चों को, अवसर दिए जाएं, तो ये हमारे नौनिहाल क्या नहीं कर सकते। हम ही हैं जो इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, इनकी क्षमताओं का तो कोई सीमा नहीं है, इनकी क्षमताओं की। और मुझे एक और बात बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए, मैं बहुत खुश हूं कि ये बच्चे जो मुझसे जुड़े तब इस प्रतियोगिता के लिए, ये काम हमने हिंदी दिवस के आसपास ही शुरू किया होगा, तो सितंबर का महीना आप मान लीजिए, तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 चला गया, आज हम अक्टूबर 2022 में बैठे हैं, तो तब से लेकर ये बच्चे मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, और इसे ही मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। बाकी सब कुछ तो आनी जानी चीज है, लेकिन बच्चों का जो प्यार है वो सबसे बड़ी बात है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मंच आपका कौसर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, और आपने बहुत सारी बातें बताई, जर्नी जो आपकी रही इस पुस्तक को निकालने की, बहुत ही रुचिकर रही है और इसके साथ साथ प्रेरणादायी भी है। और मैं भी जब मैंने बुक पढ़ी थी तो मैं भी बड़ी हैरान रह गई थी कि बच्चों ने इतना प्यारा लिखा है, यू ही में रहते हुए बच्चों ने इतना प्यारा लिखा है, तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे निर्णायक मंडल जो है उनका, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो आए और बच्चों की कविता जो है वो पढ़ें,
सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री अरविंद भगानिया जी को, आप आइए और कवर पाठ कीजिए। नमस्कार करुणा जी, थैंक यू। कुसुम दीदी प्रणाम, आपको मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जरूर जल्दी मिलेंगे। आरती जी अगर इस तरह के कार्यक्रम आगे बनाते रहें तो बहुत ही मतलब लोगों से मिलने का होगा। कई बार प्रोग्राम हुए मैं नहीं आ पाया किसी भी कारण से, बट जरूर मिलेंगे। नितिन जी भी अबुधाबी में ही हैं, कभी उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है अभी तक मेरी, तो जरूर मिलेंगे। और ये पुस्तक जो है, ये एक दिन आया मेरे पास आरती जी का कॉल कि मैं आपको कविताएं भेज रही हूँ, आप उसको उनको निर्णायक बनना है आपको, और उन बच्चों की कविताओं को देखना है कि कैसी लिखी है और उनको जांचना है। मैंने बोला ठीक है भेज दीजिए, और 15 दिन लगे थे मुझे सारी पढ़ने के लिए, और बहुत ही बच्चों ने बहुत ही सुंदर लिखा। उतना लिखने के बाद फिर हुआ ये कि आरती जी का फिर से फोन आया कि आपको किताब के ऊपर अपने कुछ शब्द भी लिखने हैं, तो मैंने बोला चलिए ये भी करेंगे। तो युवा पीढ़ी और हिंदी प्रेम के ऊपर मैंने एक लेख लिखा था, और मतलब एक जर्नी रही ये किताब की। और मजे की बात यह कि ये किताब आज ही मुझे आरती जी के हाथों साइन की भी मिली है, तो बहुत ही अच्छा दिन है ये आज। मैं जसकिरत की कविता पढ़ना चाहूंगा। जसकिरत बहुत सुंदर लिखा आपने कि हम भारत के वासी हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि है इसकी जो सबके मन को भाती है, स्वर और व्यंजनों की यह माला रास हमें बहुत आती है, संविधान की यह मन भावन और करोड़ों दिल की है धड़कन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से बंगाल तक सबकी यह दुलारी है। बहुत सुंदर लिखा है। बॉलीवुड की आन बान और शान और हिंदी में बसती है हमारी जान, मतलब क्या भाव है जसकिरत, बहुत सुंदर। योगा बंगला जंगल इत्यादि हिंदी के शब्दों ने तो अंग्रेजी में अपना परचम फहराया है, मान है जसकिरत को भी यह, वह भारत देश की वासी है। हम भारत के वासी हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार अरविंद जी। जितनी बार भी पढ़ते हैं, जितनी बार भी सुनते हैं, फिर से एक नया रस छलक के आता है। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हिंदी में लिखते रहो। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी को, जाने माने कवि हैं, मतलब एक दिन में 4 से 5 ऑन एन एवरेज कविताएं देते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी, शर्माइए मत, आ जाइए। नमस्कार, आवाज आ रही होगी मुझे लगता है, तो इसका उदाहरण आपने दिखा दिया, आपको तो अच्छी बात है, आपको ये अधिकार है, और इससे अच्छी बात है, झूठ बात ही अच्छी फैसले तो बुरी बात नहीं है। तो चले, मैं सबसे पहले तो आज के अध्यक्ष हमारे नाथ जी को नमन करता हूँ, हमारी मुख्य अतिथि कुसुम दीदी को नमस्ते करता हूँ, और डॉक्टर आरती को धन्यवाद है, मतलब कि उन्होंने मुझे ये काम दिया। और जब पिछले साल उन्होंने मुझे पूछा था कि बच्चों की हिंदी कविताओं को आपको मतलब जज करना है, तो मैंने कहा बहुत आसान सा काम होगा, यूएई के हैं बच्चे हैं, हिंदी में क्या लिखा होगा, 2-4-5-10 कविता आ गई तो बहुत बड़ी बात है, शिक्षक हूँ, असाइनमेंट या जो भी बच्चे सबमिट करते हैं तो जितना कम से कम होता है उतना खुशी होती है हमको, तो एक मजा की बात है। पर जब कविताएं आई तो मैं भी चौंक गया, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं थी, इतनी अच्छी अच्छी कविता, जब हर एक कविता को पढ़ा मैंने, तो ये बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए कि इसको हम जैसे निर्णायक बनकर कैसे उसमें कुछ निर्णय दे, मतलब बहुत मुश्किल होता है
इन कविताओं पर निर्णय देना, क्योंकि सभी कविताएं एक से बढ़कर एक ही हैं। और आज भी जब पढ़ता हूँ उन कविताओं में से, तो लगता है इसको मैंने क्यों छोड़ा, उसको मैंने क्यों छोड़ा, मतलब तो ये कहीं ना कहीं एक वो आता है, और हर बार पढ़ने पर नई लगती है ये कविताएं। और उसके बाद फिर इस पुस्तक से जुड़े रहे हैं हम, जिसे आरती ने भी बताया, विकास जी ने बताया और अरविंद जी ने भी बताया, तो हम जुड़े रहे, लेख लिखे, अपनी कविताएं भी दी। कविता लिखने में भी बड़ा बुरा लग रहा था कि शर्म आ रही थी कि हम इन बच्चों के साथ अपनी कविता कैसे दें, क्योंकि इतनी अच्छी कविता के बीच हमारी कविताएं कहाँ दिखेंगी। तो ये एक बहुत से भाव थे, विचार थे, और ये भी आज खुशी की बात है कि हम उन में से कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर हम मंच साझा कर रहे हैं और उनके साथ अपनी बातें कर पा रहे हैं। इच्छा तो थी ये सभी कविताएं पढ़ें, पर शायद समय भी नहीं होता हमें, हमारे पास उतना। और हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं कि महादेवी जी जब छोटी थी, 8 साल की 10 साल की, तब उन्होंने पहली कविता लिखी थी, दादाजी जब 10 साल की थी, 12 साल की थी, तब उन्होंने पहली बार मंच पे गाना गाया था, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। पर इन बच्चों को देखकर लगता है कि हम इतिहास के उन क्षणों के साक्षी हो रहे हैं, जब आगे बढ़कर ये बच्चे आगे कुछ अच्छा साहित्य लिखेंगे, तब हमको लगेगा कि हाँ, हम भी इनकी इस साहित्यिक यात्रा में कहीं ना कहीं जुड़े थे, हमने भी इनको आगे बढ़ते हुए देखा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, और इन सब बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। और आज जब कोई कहता है मुझे कि हिंदी का भविष्य ठीक नहीं है, पर मैं उनको ये किताब दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, ये हिंदी का भविष्य है, और हिंदी हमेशा ही सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वो जीवित भाषा है, और जीवित भाषा कभी मरती नहीं है। जो दूसरी भाषाओं को अपने में समाहित कर ले, दूसरे शब्दों को अपने अंदर ले ले, उनका प्रयोग करे, तो वो भाषा जीवित होती है, और वही हमेशा जिंदा रहती है, और वही आगे बढ़ती है। तो दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो, किसी भाषा के शब्दों को प्रयोग करना बुरा नहीं है। और बोलचाल की भाषा जब तक नहीं आएगी तब तक मुश्किल है, पर ये बच्चे इतने प्यारे हैं, इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी है कि अब इतनी तारीफ सब लोग कर चुके हैं, मैं आगे बोलना नहीं चाहता। तो आज जो मैंने कविता ली है पढ़ने को, वैसे सभी अच्छी थी, अविराज गर्ग की कविता है ये, 14 साल के बच्चे हैं सिर्फ, और बहुत प्यारे से बच्चे हैं, इनकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, और गल्फ एशियन इंग्लिश स्कूल शारजा के विद्यार्थी, शायद पिछले साल 10वीं में थे, इस साल 11वीं में आ गए होंगे। तो इनकी कविता है और बड़ी प्यारी सी है, कोशिश करता हूँ पढ़ने की, उम्मीद करता हूँ उन्होंने जिस तरीके से लिखा होगा उसी तरह से पढ़ लूं मैं। जय हिंदी, जय हिंदी। मीठा सा एहसास है तू, मीठा सा एहसास है तू, प्रतिष्ठा और गर्व का आभास है तू, अतीत तेरा बड़ा ही गौरवशाली है, तू भाषा ही इतनी प्रभावशाली है, हर भारतीय की पहचान है तू, भारत के इतिहास की जान है तू, तुझसे ही देश की शान है, तुझसे ही देश की शान है, तू भाषा ही इतनी महान है, मित्र को कही जाए तो प्यारी बोली है तू, मित्र को कही जाए तो प्यारी बोली है तू, शत्रु को लगने वाली गोली है तू, वाह वाह रे मेरी हिंदी भाषा, बड़ी ही अलबेली है तू, सभी भावों को समेट रहे हैं। आज भी घर घर में बोली जाती है तू, गीत कविता होली और दिवाली है तू, कितना सुंदर बखान है, हर जाति प्रथा और प्रांत को जोड़ती है, भारत को प्रगति की ओर मोड़ती है, चाहे हो अंग्रेजी भारत छोड़ो का नारा, चाहे हो अंग्रेजो भारत छोड़ो का नारा, क्या हो माता रानी का जयकारा, हर आंदोलन और भक्ति का मान बढ़ाए, प्रगति और आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ाए, हिंदी को अपनी पहचान बनाओ, आने वाली पीढ़ियों को हिंदी सिखाओ, हिंदी द्वारा अपने जड़ों से जुड़िए, देश की प्रगति और उन्नति की ओर बढ़िए, देश विदेश माँ हिंदी को पहुंचाना है, जगह जगह हिंदी का मान बढ़ाना है, इस आंदोलन को अपने छोड़ना है, जन जन को अपनी हिंदी से जोड़ना है, आइए मिलकर अब सबने प्रण करना है, हिंदी भाषा का प्रयोग लगातार करना है, चाहे कोई भी हो बच्चे बूढ़े या जवान, चाहे कोई भी हो बच्चे बूढ़े या जवान, करते रहिए हमारी हिंदी का जय जय गान, जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी। तो ये कविता है अविराज की, और देखिए कितनी प्रगल्भता है, कितनी इस उम्र को न देखे हम, तो लगता है किसी बहुत बड़े कवि ने इन बातों को लिखा है, भावों को देखिए, विचारों को देखिए, शब्दों को देखिए, तो बहुत ही अच्छी कविता है। मैं अविराज को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो ऐसा लिखते रहे और एक दिन अच्छे बड़े साहित्यकार बनेंगे, बड़े कवि बनेंगे, और डॉक्टर आरती और उनकी खुद की शिक्षिकाएं उनके साथ में है ही, जो उनको मार्गदर्शन करती रहेंगी, तो ये मेरे आशीर्वाद है उनके लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार नितिन जी।
अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सुश्री रमा शर्मा जी को। उनके बारे में पहले ही आरती जी ने काफी कुछ बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि आप बाल काव्य रचना में गहरी रुचि रखती हैं और पिछले 40 वर्षों से अध्यापन में जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रमा शर्मा जी, प्लीज आइए। नमस्कार जी, सभी को मेरा प्रणाम। आरती जी ने तो मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, बाकी आरती जी जो वहां की पत्रिका में मेरा शोध पत्र छपा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो आपकी मेहनत से ही हुआ है। तो जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूं आवाज मुझे ही नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई है, बीच में चली गई थी। यस, आ रही है आवाज आ रही है, ठीक है, आ रही है जी। मेरी कविता है जरूल अनूप गाडेकर की, आयु 10 वर्ष, कक्षा 5, दी इंडियन हाई स्कूल दुबई से। तो इस बच्ची ने तो कमाल ही किया है। शीर्षक है हमारी मातृभाषा हिंदी हमारा गौरव। ओम प्रकृति की पहली ध्वनि, इसी ओम की देन है हिंदी। देवों की कलम से उपजी, देवनागरी लिपि है हिंदी। संस्कृत है जननी जिसकी, कई भाषाओं की जननी हिंदी। ओजस्विनी सुंदर सरल साहित्य का असीम सागर है हिंदी। तुलसी सूर मीरा कबीर, पंत बचन दिनकर निराला का अमर संगीत है हिंदी। त्रिपाठी प्रेमचंद हजारी रविंद्र का अमर साहित्य है हिंदी। संपूर्ण प्रकृति को सहेजे माँ बहन सखी हिंदी। भाषा हिंदी को हमें शिखर पर ले जाना होगा, करने होंगे भागीरथी प्रयत्न, पुराना गौरव सम्मान दिलाना होगा। मत भयभीत हो फांसला देखकर, बढ़ता जा रास्ता देखकर, खुद ही नजदीक आ जाती है मंजिल, खुद ही नजदीक आ जाती है मंजिल, मजबूत इंसान का हौसला देखकर। तो याद रख जब तक गगन में चांद सूरज की लगी ये बिंदी रहे, तब तक वतन की भाषा अमर ये हिंदी रहे। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रमा जी, और आपने जो जरूर की जो कविता पढ़ी है वास्तव में ही काफी बहुत सारे मैसेज ये कविता दे रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी को, वो आए और काव्य पाठ करें। धन्यवाद करुणा जी। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन को मेरा सादर प्रणाम और प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार। सबसे पहले तो मैं होनहार बिरवान की संपादक डॉक्टर आरती लोकेश जी और इस पुस्तक के नन्हे मुन्ने कवियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में यूएई में राष्ट्रीय स्तर की 3 समूही हिंदी काव्य प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था उसमें प्रथम समूह में मुझे निर्णायक के रूप में बुलाया गया, जिसमें पहली से 5वीं तक के बच्चों ने भाग लिया, और उन बच्चों का आत्मविश्वास और हिंदी के प्रति प्रेम मंत्रमुग्ध कर गया।
लेकिन जब मैंने दूसरे और तीसरे समूह के बच्चों की स्वर रचित कविताएं पढ़ी तो सचमुच उन कविताओं ने तो मुझे हैरान ही कर दिया। इनकी भाषा, इनके भाव, कविता लिखने का तरीका वाकई प्रशंसनीय है। और इसके लिए हमारे होनहार बिरवान के भावी साहित्यकारों को एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपने इस पुस्तक का शीर्षक जो है सार्थक कर दिखाया है, इसके लिए आपको बार बार बधाई देने का दिल चाहता है। अब समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं इसी पुस्तक की एक कविता का वाचन करना चाहूंगी, और जिस कविता का मैंने चयन किया है उसका शीर्षक है हिंद देश की आशा हिंदी, और इसे लिखा है अक्षरा प्रवीण ने, जो कि इंडियन इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हैं। तो मैं अपनी कविता का जो है वाचन करना चाहूंगी कि हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंद देश की आशा हिंदी, माता की लोरी सी हिंदी, लाड पिता का अपनी हिंदी, नानी की है कहानी हिंदी, दादी भजन सुनाए हिंदी, नन्हे से भाई के मुख से तुतली तुतली मिश्री हिंदी, तीखी मीठी चाट सी हिंदी, कुतुब की ऊंची लाट सी हिंदी, ताजमहल सी मरमर हिंदी, लाल किले सी भव्य हिंदी, रामायण की अपनी हिंदी, सूर कबीर के दोहे हिंदी। तो यहाँ बच्ची ने जो रामायण का जिक्र किया है, मेरे ख्याल में वो यहाँ पर रामचरितमानस की बात करना चाहती है, जो कि तुलसी जी के द्वारा हिंदी की उपभाषा अवधि में लिखी गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्ची को हिंदी की के साथ साथ उसकी उपभाषाओं का भी ज्ञान है, यह बहुत बड़ी बात है। तो आगे सुनिएगा कि बच्चन की है अपनी हिंदी, सिनेमा की मस्ती सी हिंदी, जिसके बिना देश थम जाए, ऐसी प्राण वायु है हिंदी, भारत की पहचान है हिंदी, आन बान और शान है हिंदी, हिंदी एक अनूठी भाषा, वाकई हिंदी एक अनूठी भाषा, प्रेम प्यार सम्मान की भाषा, ईश्वर के उपहार से हिंदी, अपनी हिंदी प्यारी हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद करुणा जी, बहुत बहुत आभार उर्मिला जी। उर्मिला जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही जितनी प्रतिभाशाली है ये उतनी ही सौम्य है, जितना सुंदर काव्य लिखती हैं उतना ही गहरा गद्य भी लिखती हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है हर बार जब भी मैं इनसे मिलती हूँ, तो छोटी हैं मुझसे लेकिन हर बार कुछ ना कुछ सीखती हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नेहा शर्मा जी को, आप आइए और कृपया काव्य पाठ कीजिए। सबसे पहले सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार। मुझे यहाँ पर आने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आरती जी का बेहद आभार व्यक्त करती हूँ मैं, और साथ में यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आदरणीय कुसुम दत्ता जी और डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी, अरविंद जी और डॉक्टर उर्मिला चौधरी जी और करुणा राठौर जी, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और जितने भी हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन सभी का भी मैं बेहद आभार व्यक्त करती हूँ। कितनी प्यारी प्यारी रचनाएं उन्होंने अपनी दी है पुस्तक में छपने के लिए, और इतनी सुंदर पुस्तक बनी है, जो जैसा कि मैं सुन रही हूँ, पुस्तक अभी मेरे हाथ में नहीं आई है, परंतु मैं जरूर कहूंगी आरती जी से कि उसकी एक प्रति जरूर मुझे भेजी जाए, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और अपने जो विचार है उस पर रख सकूं, लिख सकूं उस बारे में, क्योंकि बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है सच कहूं तो, क्योंकि बच्चों के जो भाव है ना वो एकदम शुद्ध होते हैं। जैसा कि मैं अभी सुन रही हूँ सभी की कविताओं में, तो महसूस कर पा रही हूँ उनके उनकी रचनाओं को जो उनके भाव से निकली है, और वाकई उन्होंने साबित कर दिया है कि रचनाएं वाकई जो काव्य है वह भाव प्रधान होता है। और अब मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि मुझे मौका मिला है, मेरी खुशनसीबी है यह कि मैं एक बच्चे की कविता यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उनका नाम है ईशान नायर धनिया, आयु है 13 वर्ष,
कक्षा 9 और द इंडियन हाई स्कूल दुबई से हैं ये, और इन्होंने हिंदी पर जो रचना लिखी है वह कुछ इस प्रकार है जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इनसे माफी चाहूंगी क्योंकि लिखने का भाव जो होता है वह एक रचनाकार ही बता सकता है कि हमने किस तरह से वह रचना लिखी है और उसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि रचना लिखते वक्त ही वह भाव मन में बनते हैं। यदि मैं थोड़ा कुछ प्रतिशत भी उस पर खरी उतर पाई हूँ तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, जिसके लिए मैं अभी से आपसे माफी मांगती हूँ। तो मैं चलती हूँ इनकी रचना की तरफ। रचना कुछ इस तरह है कि यह है भाषा हिंदी। यह है भाषा हिंदी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, हम सबको एक बनाती है, वह है भाषा हिंदी। जो थामे सारे हाथों को, जो बनाए रखे बंधन के वादों को, वह है भाषा हिंदी। जिसने समेटा सारे बिखरे टुकड़ों को, मुझे ये पंक्तियां बहुत पसंद आई, तो आप सब भी ध्यान दीजिएगा कि जिसने समेटा सारे बिखरे टुकड़ों को, जिसने जोड़ा सभी पहेलियों को, वह है भाषा हिंदी। हम सबके अरमान, आप सभी का बेहद आभार। जिसने समेटा सारे बिखरे टुकड़ों को, जिसने जोड़ा सभी पहेलियों को, वह है भाषा हिंदी। हम सबके अरमान, भारत की शान, वह है भाषा हिंदी। यकीन मानिए मैं पढ़ रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इतना जो है प्रस्तुतिकरण, इतना शानदार प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है, जिसके लिए वाकई शब्द कम पड़ते हैं, कि जिसने बरसाया रंगों की बारिश को, जिसने बरसाया रंगों की बारिश को, जिसने खिलवाया खुशियों के फूलों को, वह है भाषा हिंदी। जो खुले द्वार भावनाओं के, जो खुले द्वार भावनाओं की, जो गाए खुशियां माओं सी, वह है भाषा हिंदी। वाकई बेहतरीन लाइंस कि जो खुले द्वार भावनाओं की, जो गाए खुशियां माओं सी, वह है भाषा हिंदी। जिसकी वजह से है चेहरों पर मुस्कुराहट, जिसके कारण मिट गई दुख की आहट, वह है भाषा हिंदी। हमारे अतीत की धूल, भारत पौधे का फूल, वह है भाषा हिंदी। दिया हमें अनेक कवियों को, समझाया हमें जीवन के नियमों को, वह है भाषा हिंदी। जिसने बनाया भारत के चमत्कारों को, जिसने दी रोशनी हर एक नजर को, वह है भाषा हिंदी। भविष्य हमारे भारत की, हिस्सा हमारे मन भावत की, वह है भाषा हिंदी। जिसने दी हमें हमारी पहचान, जिसने दी हमें हमारी पहचान, जिसके लिए हम दे सकते हैं अपने प्राण, वह है भाषा हिंदी। जो ऊंचा करवाता है हमारे सर को, जो खुशबूदार बनता है हर एक शहर को, वह है भाषा हिंदी। और ये अंतिम पंक्तियां कि जिसके लिए है ऐसे मिट प्यार, जो करे एकता की पुकार, वह है भाषा हिंदी, वह है भाषा हिंदी, वह है भाषा हिंदी। बेहद आभार आपका नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बताना चाहूंगी आप सबको कि नेहा जी साहित्य अर्पण मैगजीन की संपादक भी हैं और इस पुस्तक के निर्णायक मंडल में भी शामिल हैं और एक बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं। अब मैं आग्रह करूंगी आरती जी से कि आगे की जो कड़ी है हमारी उसको जोड़ें पुस्तक विमोचन। पुस्तक धन्यवाद करुणा, सबके ज्यादातर तो सबके पास पुस्तक होगी ही, तो मैं चाहूंगी कि पुस्तक हम दिखाएं और थोड़ा, क्योंकि हमने अगर बैकग्राउंड लगाई है तो थोड़ा पुस्तक कट जा रही है, तो इस हिसाब से हम सेट करेंगे कि थोड़ी हमें दिखाई भी देती रहे और हम भी दिखते रहे। और जो हमारे तकनीकी सहयोगी हैं चिन्मय जी और अशोक आलोक शर्मा जी, तो पुस्तक का एक फोटो ले सकते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से सब लोग दिखा रहे हैं इस टाइम, सबकी आ भी रही है। हाँ जी करुणा जी, आगे चलते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार प्रीत जी को। आप प्रीत साहित्य सदन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, पंजाब के लुधियाना के सिरमौर, लेखक व संपादक डॉक्टर मनोज
कुमार प्रीत जी लगभग 20 पुस्तकों के रचयिता हैं। इनकी कई पुस्तकों का पंजाबी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है। इनके साहित्य पर कई विश्वविद्यालय शोध हो चुके हैं। अनेक रचनाओं का आकाशवाणी का प्रसारण हो चुका है। मंच से पिछले कई वर्षों में 300 से अधिक पुस्तकों का विमोचन उन्होंने समृद्ध साहित्य परिचित कराया है। बहुत बहुत स्वागत है रमेश कुमार प्रीत जी का। आइए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। धन्यवाद डॉक्टर आरती गोयल और उनके सभी सहयोगी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पुस्तक के ऊपर मैं ज्यादा और अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि पहले ही काफी बात, काफी चर्चा और जो सराहनीय पक्ष हैं वो हम चर्चा में ला चुके हैं। मैं दो बातें इस कार्यक्रम पर और इस पुस्तक के संदर्भ में कहना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो ये जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है कि यूएई में बैठकर आप लोग भारत की मिट्टी की, भारत की संस्कृति की, भारतीय विरासत की और भारतीय भाषा की जो पताका फहरा रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। इतनी दूर बैठकर आप इतनी संवेदना से लगे हुए हैं, ये मेरे को इस विश्लेषण के लिए तब ये शब्द कहने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पंजाब में, अन्य प्रांतों में और अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो इतने उत्साहवर्धक कार्य हिंदी और बाल काव्य के पक्ष में नहीं देखने को मिल रहे हैं। और इसके लिए आप अपने समूह के सभी पात्र, सभी उत्साहवर्धी इस कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात जो इस विषय पर मैं कहना चाहूँगा वो है संवेदना की। आज भौतिक युग में जो हो रहा है, हमारा पूरा विश्व आभासी दुनिया की किस चरम सीमा पर पहुंच गया है, हमारी नई पीढ़ी किस विघटनकारी कार्यों पर इस आभासी दुनिया में पहुंच गई है। ये आभासी संसार हमने उपयोगिता के लिए तो बनाया था, लेकिन अगर गौर से देखा जाए इसने हमारी नई पीढ़ी को, हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया है। ये प्रगति के साथ साथ विघटनकारी बात भी है, लेकिन आप सब लोगों ने, शिक्षा से जुड़े हुए सभी विद्वजनों ने जो नए बच्चों को, नई पीढ़ी को संवेदनशीलता दी है, लिखने की प्रेरणा दी है और अपनी भाषा में अपने भाव अंकित करने के लिए उत्साहित किया है, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज के इस युग में जहां बाजारवाद, इंसानियत के कुछ कुछ लोग बचे हैं, बाजारवाद हम पर बहुत हावी हो चुका है, संवेदना शून्य हो चुकी है और हम अपने बच्चों को जो देना चाह रहे थे वो हम ठीक से दे भी नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे नहीं ले रहे, हमें लगता है कि हमारा ही कहीं कुछ ना कुछ अभाव रहा कि जो हम संस्कृति हमारी अपनी नई पीढ़ी को देना चाहते थे वो हम नहीं दे पाए। लेकिन आप इतनी दूर बैठकर बच्चों को संवेदनशीलता प्रदान कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जो बच्चे में हम संवेदना भर के लिखने और पढ़ने के लिए, साहित्य के प्रति उनको केंद्रित करने के लिए हम प्रेरणा देते हैं, ये हमारी संस्कृति की, ये हमारी भारतीयता की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं उपस्थित इस कार्यक्रम में आपके सारे समूह को और बच्चों को हिंदी के प्रेम प्रति धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार मनोजप्रीत सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगी अपने बच्चों से, जिन्होंने इतनी प्यारी रचनाएं लिखी हैं, वो मंच पर आए और अपना जो अनुभव है हम सबके साथ बांटें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अलिविया को,
अलिविया मीशा आप हैं यहाँ पे, आप कैमरा ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए और अपना जो भी अनुभव है इस किताब के साथ आपका या जो भी है आप प्लीज शेयर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। शुक्रिया। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अलिविया है और मैं हमारी किताब हुनर बिरवान के बारे में बात करूंगी। हमारी पुस्तक में सभी युवा मन की सुंदर कविताएं लिखी गई हैं। इन कविताओं में हमने हिंदी के बारे में लिखा है। हिंदी भाषा हमारा गौरव है। यह एक ऐसी भाषा है जो मजबूत धागे की तरह हम सभी भारतीयों को एक साथ लाती है। दुनिया में लगभग 572 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। यह है हमारी भाषा की ताकत। इस पुस्तक को बड़ा सफलता दिलाने के लिए डॉक्टर आरती मैम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमें कविता के रूप में हिंदी के लिए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी हम सभी बच्चों ने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी है और डॉक्टर आरती मैम हम पर विश्वास करने और इतना और हमें इतना बड़ा अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बच्चों का जोश अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और ऐसे ही जितने प्यार से जितने जोश के साथ तुमने हिंदी बोली है अब इसको कंटिन्यू रखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ ख्याति चौधरी को, आप आइए और अपने अनुभव हमारे साथ बांटिए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम ख्याति है और मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। सबसे पहले मैं आरती मैम को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। उन्होंने ना केवल मुझे बल्कि यूएई के कई छात्रों को हुनहार बिरवान पुस्तक में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया है। मुझे आज भी वह खुशी याद है जब मुझे उनकी मेल आई थी कि मेरी कविता वह अपनी पुस्तक में डालना चाहेंगी। मुझे हमेशा से लिखना पसंद था और मुझे शौक था, लेकिन हुनहार बिरवान ने मुझे बेहतर लिखने का और लिखने की प्रेरणा दी है। और जो कोई यहाँ पे लिखता होगा शायद सभी इनको पता होगा कि कभी कभी हमें लिखने का मन नहीं करता, कोई प्रेरणा नहीं आती। और आरती मैम ने और हुनहार बिरवान के ये जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने मुझे यह प्रेरणा दी है कि मैं और लिखूं, और इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँ तो भी कम होगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हुनहार बिरवान ना केवल हमारी कविताओं का एक संग्रह है बल्कि हम बच्चों का हिंदी प्रेम का एक प्रतीक है और यह एक अनुभव है जो हम चाहते हैं कि सब जाने, क्योंकि हिंदी से जुड़ा हमारा इतिहास और हिंदी से जुड़ी हमारी संस्कृति हमारी विरासत है और हम इसी से पहचाने जाते हैं। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब ख्याति, बहुत बढ़िया बात कही आपने और हम सभी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं। और मतलब अभी तो दो बच्चों को ही सुना है तो बाकी सबको सुनेंगे तो और भी मतलब हम सीखना शुरू कर देंगे आपसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा मैं बुलाना चाहूंगी सविता कादरी जी को, आप आइए। आइए आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम है सविता कादरी, मैं 9th क्लास की हूँ। हुनहार बिरवान एक सुंदर संग्रह है। कविताओं को इकट्ठा और संपादित किया गया है आरती लोकेश ने। ये पुस्तक के पाठक में समूर्ति और ये चुस्त प्रभाव रखती है। ये किताब जो भाषा सीखने की ललक देता है, इस प्रस्तुत में भावनात्मक अजामन की बात कविताएं लिखी है। मैंने विभिन्न रूप से कविताओं को आनंद लिया है। पूर्ण धन्यवाद डॉक्टर आरती लोकेश को जिसने हमें कविता लिखने की अवसर दिया है। शुक्र है किताब प्रभावित हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ जो आरती लोकेश जी ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया कि मैं इस किताब को आके लिखूं और मेरी किताब पब्लिश भी हो गई है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो भी यहाँ सब है। शुक्रिया। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अब मैं बुलाना चाहूंगी तनरीत को। तनरीत आप आइए और अपने विचार हमारे समक्ष रखिए।
धन्यवाद। तो कविता हृदय की भाषा है जो हृदय से निकलकर दूसरे हृदय तक पहुंचती है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम तनरीत कौर है और मैं न्यू इंडियन मॉडल स्कूल दुबई में कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। और आज मेरा जो सफर रहा है होनहार बिरवान के साथ, वो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जब मुझे पता चला कि मुझे कविता लिखने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि हाँ, मैं जरूर कविता लिखूंगी। तो मैंने कविता लिखी और उसके बाद मुझे पता चला कि हमारी एक पुस्तक भी आ रही है जिसका नाम होनहार बिरवान है। इस बात से मुझे और खुशी हुई। इस सब के लिए मैं आरती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। उन्होंने और सभी ने बहुत मेहनत की है और सभी ने जिन्होंने कविताएं लिखी हैं बहुत अच्छे से लिखी हैं। एक और बात है कि जो हमारी पुस्तक है उसमें हमने हिंदी पर कविताएं लिखी हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें उसे बचाना चाहिए, हमें उसे लिखना चाहिए, हमें हिंदी के बारे में और लोगों को बताना चाहिए कि हाँ, हिंदी हमारी भाषा है, हमें इसे बचाना चाहिए। तो इस बात से भी मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे इस बात पे बहुत गर्व भी है कि मैं कुछ कर पाई हमारी हिंदी भाषा के लिए। और अगर मुझे आगे भी कोई ऐसा अवसर मिलेगा कोई कविता लिखने का तो मैं जरूर लिखना चाहूंगी। धन्यवाद, आप सबका दिन अच्छा जाए। बहुत बढ़िया बात करी आपने। एक चीज मैं आपको कहूंगी, अवसर नहीं देता, अवसर हमें खुद ही निकालने होते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जितना लिखना चाहते हैं उतना लिखिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है? वो आपका कलेक्शन हो जाएगा, एक दिन आपके खुद की आपके पास एक आप ही की लिखी हुई कविताओं की बुक आएगी। शुक्रिया मैम। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सिद्रा राघीब को, आप आइए। आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम सिद्रा राघव है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं इंडियन हाई स्कूल दुबई में पढ़ती हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर आरती लोकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी मुझे ऐसा मौका देने के लिए कि मैं अपनी हिंदी और अपनी अपना प्यार हिंदी की तरफ दर्शा सकी इस होनहार बिरवान किताब में। अब मैं किताब के बारे में कुछ चीजें बोलना चाहूंगी। यह एक बहुत विशाल पुस्तक है, आकार की नहीं बल्कि इसके ज्ञान से। इस पुस्तक में छात्रों ने अपनी लेखन क्षमता और अपने अद्भुत विचारों को साबित किया है। होनहार बिरवान, जैसे कि नाम से पता चलता है, वास्तव में कई स्कूलों और उम्र के बच्चों की प्रतिभा और विचारों की प्रक्रियाओं के से भरी एक किताब है। इस पुस्तक ने मुझे अपनी हिंदी को बढ़ाने की अनुमति दी। एक ऐसी व्यक्ति हूं मैं जो घर में उर्दू बोलती हूँ, इसके बावजूद मेरे पास हिंदी के लिए बहुत ही ज्यादा समान रूप से महत्वपूर्ण है हिंदी मेरे लिए, और मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करती हूँ एक भारतीय होने के नाते। जैसा कि हम स्कूलों में सीखते हैं, हिंदी शिष्टाचार और नैतिकता की भाषा है। जैसे कि आदरणीय कुसुम जी ने कहा, हिंदी को सभी पीढ़ियों तक पहुंचाना है और इसे अंग्रेजी से अधिक बोलना और गर्व महसूस करना है। मैं अपनी बात इस चीज से अंत करना चाहूंगी। हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कहा है, मैं हिंदी के बिना गूंगा हूँ। इसलिए हम भारतीयवासी हिंदी के बिना गूंगे हैं, हमें उसे बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। बच्चे इतना फ्लॉलेसली बोल रहे हैं, इतना खूबसूरती से एक सुर में, जैसे कि मतलब उनके बात करने के तरीके से ही मालूम पड़ रहा है कि उनको हिंदी का कितना ज्ञान है। तो नो वंडर्स कि कल को आपकी अपनी सभी की अपनी अपनी किताब आ जाए और फिर हम भी आपकी किताब खरीद के पढ़ेंगे। अब मैं आग्रह करूंगी कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विकास भार्गव जी से, आप आए और अपने विचार रखें। आप पहले, मैं आपके बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। आप साहित्य एवं कला प्रेमी हैं। आपका साहित्य प्रेम इस बात से भी प्रदर्शित होता है कि आज आप यहाँ हम सबके बीच मौजूद हैं और एक यूएई की जो प्रथम हिंदी पुस्तक सोच जो आपने प्रकाशित की है उससे भी आपका जो साहित्य प्रेम है वो जाहिर होता है।
जिसका संपादन डॉक्टर आरती लोकेश जी ने किया था। सौभाग्य हमारा कि हम भी इस पुस्तक का हिस्सा बन सके। आप न केवल साहित्य की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। यही बात आपको आम से खास बनाती है। नेक दिल शख्सियत विकास भार्गव जी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए विकास जी, हमने आपकी तारीफ में कसीदे गढ़ दी और आप गायब थे। नहीं नहीं, क्षमा चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं एक तो मंत्रमुग्ध और अभी भी मैं किताबें पढ़ रहा था, तो और जैसे कि आप सबको विदित है कि मैं हमेशा बैक टू बैक किसी ना किसी चीज में लगा रहता हूँ। मैं चाहूंगा जो हमारा और उसकी व्याख्यान एक होती है, उसके एक अलग आनंद होता है। तो दो तरह से होती है, एक लिखने में और एक उसका वर्णन करने में। तो जिस तरह से भी आप लोग ने बच्चों के बारे में बोला, बड़ा मतलब मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि दो वजह, जिस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये एक बड़ा सोचने वाला विषय है। और खासतौर पे इस पीढ़ी के बच्चे, जिसमें हमको लगता है कि वो सिर्फ मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप के बाद खासतौर पे, और उनकी जो एक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा शायद पथ से भटकने गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। बल्कि कुछ लोगों की जो बच्चों की भाषाएं हैं और उनका जो शब्दों का चयन है, वो एक मैं क्या बताऊं, उसमें एक जैसे सबने बोला, आपने भी बोला, अभी कुसुम जी ने भी बोला था, नितिन जी ने भी बोला, तो सभी हम लोग सिर्फ तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज का जो एक एक्चुअली एक अगर बोला जाए कि जो उसकी एक रूपरेखा बच्चों ने तैयार की ना, हमारे हमको एक इनफैक्ट अभी तो ऐसा लगता है हमको उनसे प्रेरणा मिल रही है। क्योंकि जब हम अब जो भावी पीढ़ी को इस तरह से बढ़ता हुआ देखते हैं, जो नई पौध को जिस तरह से बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि यस, आने वाले समय थोड़ा मजा आ रहा था। तो अभी जैसे अभी आप लोग बता रहे थे, तो मैंने कहा मैं जब भी मैं एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बच्चे अपनी कविता पढ़ रहे थे, मैं उसके पीछे पीछे मैं भी पढ़ रहा था। एनीवे, अभी मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक तो विश्व रंग का बहुत बहुत आभार, आरती जी एक जो जिस जो, और मुझे लगता है कि उनसे मुझे भी सीखने को मिलेगा, और आप तो ऐसा लगता है बच्चों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इन आप टीना जी, मेरा कहीं से मिस कर गया किसी बात को? नहीं, हम मिस कर गए आपकी बात, क्योंकि बीच में ब्रेक हो रही थी। पता नहीं, मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो शब्दों का इतनी जो गूढ़ता होती है, वो इसलिए वो तो अभी कोई बस बात नहीं, हम आपके भावों को समझ रहे हैं और बच्चे भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। आने वाले समय में कमाल के हैं, उन्हें होने वाले हैं। और आई थिंक हमारे पास ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे पास कुछ जो कहते हैं ना, एक जो पतीला भर के चावल होता है लेकिन एक दो दाने देखने को, तो आई थिंक कितने होंगे। तो आरती जी, आपका तो मतलब कार्यभार इतना बड़ा होने वाला है, और आपकी जो सारी जो टीम है, मनोज जी, प्रीत जी भी देखे हंस रहे हैं, तो आप लोग का कार्यभार इतना बड़ा होने वाला है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा होगा। और अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी, मैं उसके लिए हमेशा आऊंगा। और कुसुम जी भी मतलब, तो उनका तो क्या ही कहना, उनके छत्र छाया में हम सब रहते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आरती जी आपको धन्यवाद के साथ, मैं चाहूंगा कि आगे का जो भी हो देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपका होना ही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। और आप जैसे साहित्य प्रेमी होंगे तो साहित्य और ऊंचाइयां छुएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों को देख के और इनके जोश को देख के। अब मैं आग्रह करूंगी आरती जी से कि अब आप मंच संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा, इतना सुंदर तुमने मन संचालन किया, और मैं मंत्रमुग्ध जैसे बच्चों को देख रही थी, ऐसे ही मुझे लग रहा था कि तुम भी मेरे बच्चों में से एक हो, और बहुत सुंदर संचालन किया, सबको जोड़े रखा। बच्चे ही हूँ मैं यहाँ पे बिल्कुल अनाउंस कर देती हूँ कि कभी छोड़ ना देना मुझे। तो कार्यक्रम का जो हमारा आज पूरी रूपरेखा थी वो अब समाप्ति की ओर है, और अंत में मैं
5 मिनट या 3-4 मिनट में थोड़ा धन्यवाद का देना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो मुख्य अतिथि महोदया सुश्री कुसुम दत्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनकी अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी थी। हम सभी जानते हैं कि वो समाज सेविका भी हैं और कलाकार भी हैं, और उसमें उन्हें जाना भी था। अभी वो इसीलिए निकल चुकी हैं और मुझे उन्होंने सूचना दे दी थी, लेकिन इतनी मतलब व्यस्त दिनचर्या में भी वो हमारे बालकों को आशीष देने के लिए उपस्थित हुई। आपका बहुत बहुत नमन और धन्यवाद दीदी। विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर मनोज प्रीत जी के उनके तो कहने ही क्या। उन्होंने अपने स्नेह से मेरे हर छोटे बड़े काम को बड़ा सराहा है और उनकी सराहना का ही प्रतिफल है कि मैं बस पीछे मुड़ के देखे बिना आगे आगे चलती जाती हूँ और करती जाती हूँ। जब मैंने उन्हें निमंत्रित किया इसके लिए तो उन्होंने कहा कि आपका हक है, आप बस आदेश दो। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने एक सेकंड का समय नहीं लगाया सोचने में और तुरंत कार्यक्रम में आने के लिए स्वीकृति दे दी। और मेरी अपनी साहित्यिक यात्रा में मैं उनका बहुत बड़ा योगदान मैं स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद नहीं कहूंगी क्योंकि वे मुझे इसके लिए मना करते हैं कि धन्यवाद नहीं कहना है। तो आगे कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान विकास भार्गव जी, जिन्हें पकड़ पाना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन उनके बिना हमारा कोई काम जो है वो संपन्न नहीं होता आराम से। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। वो इतनी पुस्तकों पर काम करते हैं और इतने अलग अलग देशों की जो है पुस्तकें निकाल चुके हैं, कॉफी टेबल बुक निकाल चुके हैं, बहुत पुस्तकों में घिरे रहते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है पुस्तकों में घिरा रहना। वे आए और उन्होंने बच्चों का उत्साह वर्धन किया, इतनी अच्छी बातें कही, बहुत आभारी हूं मैं विकास जी। हमारे नन्हे मुन्ने गायक बच्चे अक्षज और ये चीकने पात जो होनहार बिरवान है उसके चीकने पात, वो छोटी सी श्री गौरी जो कि कक्षा 2 में पढ़ती है, 7 साल की है, और अक्षज कक्षा 6 में, इतनी सुंदर गणेश वंदना उन्होंने गाई और हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। ढेरों आशीष आपको मेरे बच्चों। इनके संगीत अध्यापिका अंजना रॉय जी तथा इनकी माता जी, इन दोनों बच्चों की माता जी श्रीमती लक्ष्मी जी का बहुत बहुत आभार। और इन कविताओं के साथ साथ मेरे सभी निर्णायक मित्र मेरे आग्रह पर उपस्थित हुए और डॉक्टर नितिन जी की कक्षाएं हैं, फिर भी वो अपनी कक्षा के बीच में से जो थोड़ा सा समय निकला उससे जुड़े, तो सभी लोग मेरे आग्रह पर तुरंत यहाँ पर उपस्थित हुए और बच्चों की कविताएं पढ़ी। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी कविताएं पढ़ने के बजाय बच्चों की कविता का चुनाव किया। इस पुस्तक में उनकी अपनी कविताएं भी हैं जो पुस्तक के अंत में दी गई हैं, और उनको अंत में देने का कारण भी यह है क्योंकि यह बच्चों की पुस्तक है। और फिर भी बड़ों की कुछ कविताएं सम्मिलित की हैं कि जिससे बच्चे उन्हें सीख सकें, उन्हीं के निर्णायकों की कविताएं इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन सभी ने बच्चों की कविताएं पढ़ी हैं, उन्हें आगे बढ़ाया, इसे ही बड़प्पन कहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन, डॉक्टर उर्मिला, अरविंद भगानिया जी और नेहा शर्मा जी, सबका धन्यवाद। आदरणीय जो है आप सभी ने अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मेरे प्यारे बच्चे जिन्हें देखकर आंखों में चमक उभर आती है और आज तो आंखें फटी की फटी रह गई, ये बच्चे इनके सबके ही यूएई में ये परीक्षाओं का समय है, सबकी परीक्षाएं चल रही हैं और अपनी परीक्षाओं में से अपनी पढ़ाई के बीच में से थोड़ा सा समय इन्होंने निकाला और इन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। और क्या इन लोगों की क्या वक्तव्य है, क्या बोलने की कला है, ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे सबको हम सबको पीछे छोड़ देंगे कुछ दिनों में, और ये पीछे छोड़ देंगे तो भी हमें खुशी ही होगी। गुरु गुड़ और चेला चीनी, ये कहावत हमने सुनी ही है ना। तो ये आगे बढ़ेंगे और रिफाइन होके हमसे और आगे, गुड़ तो अनरिफाइन होता है ना, चीनी रिफाइंड होती है, तो रिफाइन वे में हमारे सामने आएंगे। तो बच्चों मेरा बस यही कहना है, यूं ही जगमगाते रहना। और मंच संचालन की जिम्मेदारी उठाकर मुझे जो है सभी तनावों से मुक्त करने के लिए करुणा जी का बहुत बहुत आभार, और तकनीकी संचालन के लिए श्री आलोक शर्मा तथा उनके सहयोगी पीएम अचिंत, उनका जितना धन्यवाद किया जाए वह कम है। और अब मैं पुनः अध्यक्ष महोदय विकास भार्गव जी से आज्ञा चाहूंगी कि वे अनुमति दें और कार्यक्रम की के समापन की के लिए आज्ञा दें। तो विकास जी आप समापन करने की आज्ञा देते हैं।
ये तो वो बात हो गई कि आप ऐसी चीज को खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, ये कोई जैसे कोई अच्छी सी सिनेमा चल रही है उसको बोला जाए कि खत्म कर दो। सो बट एनीवे, जैसा आपका हुकुम, जैसी आपकी आज्ञा, तो प्लीज थैंक यू। कार्यक्रम हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।